आप सबका आज एक ही अटेनमेंट सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक ऐसे सिंबल की अटेनमेंट लेते हैं जो जिंदगी में कभी ना कभी हर एक को जरूरत पड़ती है, यानी कि एक सिंबल है जिसका नाम है राममियू। इसको रिलीजिंग सिंबल भी बोलते हैं। ये मसल स्पाज्म के लिए बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि शरीर में कहीं भी मसल स्पाज्म हो जाए, कहीं भी ये मांसपेशियां अकड़ जाए, उनमें सूजन हो जाए, दर्द हो बहुत भयंकर, या लाली आ जाए, रेडनेस आ जाए, तो ये सिंबल राममियू जो है ये पूरा का पूरा उसको निकालता है। और इसको बनाने की विधि बहुत आसान है। इसको 3 बार ऐसे घुमाओ और उसको ऐसे नीचे कट करके ऐसे ले आओ। जिन लोगों ने फर्स्ट लेवल का अटेनमेंट लिया है वो चोगोरे के साथ इस राममियू को यूज़ करें, यानी चोगोरे सैंडविच बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। और जो सेकेंड लेवल का जिन्होंने अटेनमेंट लिया है रेकी का, तो वो 3 सिंबल का यूज़ करें, चोगोरे, सही की और होम चार्जेशन है। और जिन लोगों ने मास्टर लेवल का अटेनमेंट लिया है रेकी का, तो वो 4 सिंबल का यूज़ करके और राममियू का यूज़ करें। तो मान लो आपको कहीं भी झटका आ गया है, मान लो काम करते करते आपके हाथ में मसल स्पाज्म आ गया है और हाथ सीधा नहीं हो रहा, और मुड़ करके जो है इसमें दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो गई है, डेडनेस हो गई है और हिल नहीं पा रहा है, तो उसमें आपने जिस भी लेवल का रेकी ट्रीटमेंट लिया है तो वो सिंबल डालो। मान लो फर्स्ट लेवल का लिया है तो अपने लिए कैसे कर सकते हैं, तो चोकरी डालो और ये रामबी डालो और फिर चोकरी डालो, सैंडविच बना करके उसके ऊपर स्थिर कर दो और उसमें एफर्मेशन ज़रूर दो। चाहे किसी भी लेवल का किसी ने भी ट्रीटमेंट लिया है, एफर्मेशन दे करके हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। एफर्मेशन ऐसे देंगे जैसे रेकी हीलिंग एनर्जी लगातार अपना काम कर रही है। मान लो 30 दिन तक बोलो ताकि 1 महीने तक वो अपना काम करे, बाद में झटका नहीं आए। तो ऐसे बोलते रहो, पहले रेकी को बुलाओ, रेकी हीलिंग एनर्जी को बुला करके और उसके ऊपर हाथ रख करके फिर बोलो, और मतलब चोकरे और रामियू डाल करके और उसके ऊपर हाथ रख करके और हीलिंग करो। रेकी हीलिंग एनर्जी 30 दिन तक लगातार अपना काम कर रही है और मेरे हाथ का जितना भी मसल स्पाज्म है, जितनी भी अकड़न है, सूजन है, दर्द है, और जो लाली है, रेडनेस है, और सारे जितने भी इन्फेक्शन है या कुछ भी जो रुकावट है और जो भी ब्लॉकेज आ गई है पूरी तरह से निकाल रही है। ऐसे बोल करके या मन मन में बोल करके ये पूरी तरह से इसकी हीलिंग करो। 10 से 15 मिनट करोगे तो इसमें पूरा निकल जाएगा ये। उसके बाद भी राममियू का सिंबल डाल करके और हाथ के ऊपर 3 बार स्टेबलाइज कर लो। ये इसका तरीका है। मान लो आपके सीधे हाथ में, आप सीधे हाथ से काम करते हो और उसमें ही आपको स्पाज्म आ गया है और किसी भी तरह से आप नहीं हिला सकते उसको, मतलब रेकी हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका तरीका ये है कि अपनी फोटो अपने सामने रखो और फूंक से उसको यही सिंबल डालो, चोकरे, फिर राममियू, यानी कि फूंक से उसको 1 बार बनाओ और 3 बार उसको बोलो, राममियू राममियू राममियू, मन में बोल सकते हो ऐसे करके, और फिर स्थिर कर दो, 3 बार स्थिर कर दो। ये वही काम करेगा जो आपने हाथ से बनाकर डाला है या कैसे भी किया है, क्योंकि जब हम अटेनमेंट देते हैं तो सिर से लेकर के पांव तक बॉडी के हर ऑर्गन में हम उसमें शक्ति डालते हैं। किसी भी ऑर्गन को आप यूज कर सकते हैं और उसको हीलिंग कर सकते हैं। ये तो था इसका राममियू सिंबल को यूज करने का तरीका। और अब आइए अटेनमेंट लेने की तैयारी करते हैं। सब लोग आराम से बैठ जाइए, कमर सीधी करिए, ज़्यादा जोर मत लगाइए, आराम से बैठ जाइए और अपने दोनों हाथ खोल करके दोनों घुटनों पर रखिए। खुले हुए हाथ होने चाहिए, यानी कि हथेलियाँ ऊपर की हो लेकिन 5 उंगलियाँ जुड़ी हुई हों। ऐसे रख करके आराम से बैठिए। अब आँखें बंद करके 3 बार लंबी सांस लीजिए, उसी रिदम में, उसी रफ्तार से सांस लीजिए जैसे ले रहे हैं और उसी रफ्तार से छोड़िए। पहली सांस लीजिए, आपकी आंखें बंद रहेंगी। दूसरी बार सांस लीजिए, अब तीसरी बार सांस लीजिए, मन को प्रसन्न रखिए और दिमाग में कोई विचार ना आए किसी तरह का, किसी के बारे में मत सोचिए, किसी आदमी के बारे में, किसी फैमिली मेंबर के बारे में, किसी प्रॉब्लम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचिए। जो आपको पसंद है, जैसे हरियाली पसंद है तो हरी हरी घास का ध्यान रखिए, कोई कारपेट जैसी घास बिछी हुई है उसको देखिए, या फूलों से भरा हुआ कोई गार्डन है उसको देखिए। आसमान पसंद है तो आसमान में तारे सितारे, वो
इमेजिन कर दी थी। भगवान में ध्यान है तो अपने रिलीजन के हिसाब से अपने भगवान में, देवी देवता में ध्यान रखिए। जो आपको पसंद है, जो मन को प्रसन्नता और शांति दे रहा है, तो वो सीन अपने दिमाग में रखिए और कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना। अब आराम से बैठिए और जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक आपको कोई हरकत नहीं करनी है, ऐसे ही बैठे रहिए। आराम से धीरे धीरे आंखें खोलिए, जोर नहीं लगाना, एक साथ नहीं खोलनी, धीमे धीमे खुशी से आंखें खोलिए। हथेलियों को थोड़ा ऊपर ले आइए और हाथ जोड़िए। हाथ जोड़ते हुए अपने हृदय से, हृदय चक्र यानी हार्ट चक्र पर रखिए, दोनों अंगूठे हार्ट पर मिले होने चाहिए। उसके बाद अब हाथ खोलिए, फड़म्बलिए और फेस पर ऊपर से नीचे गर्दन तक ऐसे लगाइए। आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इस सिंबल को बार बार यूज़ कीजिए। जब भी आपको परेशानी हो, जब भी कोई भी मसल स्पाज्म हो जाए अपने लिए या दूसरों के लिए, जैसे आपने रेकी अटूनमेंट लिए उस लेवल के हिसाब से उसकी हीलिंग कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। अब मिलते हैं अगले संडे को इसी टाइम इसी जगह एक नए सिंबल की अटेंडमेंट लेने के लिए और उसकी शक्ति लेने के लिए। थैंक यू सो मच।